नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। कोखराज पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 अपराधी अजमेरी घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस पर 25,000 का इनाम था। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उस पर मुकदमे दर्ज है। कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 टोल टैक्स के पास से पूरी मुठभेड़ हुई। सुल्तानपुर में तूफान से 2 दर्जन पेड़ गिर गए, आशियाने धाराशाही हो गए। जयसिंहपुर तहसील के ऐदा गांव में मंगलवार को आए तूफान ने तबाही मचाई है। आस पड़ोस के गांव को मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ धाराशाही हुए हैं, आवासीय ढांचे रह गए हैं। एसडीएम जयसिंहपुर ने क्षति का आंकलन करने के लिए राजस्व टीम भेजी है। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा बीती शाम मजिस्ट्रेट, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के साथ शहर के जोशी टोला और नौगवा चौराहा स्थित शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जोशी टोला से देशी लाइसेंसी धारक अनिल अग्रवाल, अंग्रेजी लाइसेंस धारक श्रेय कर्णवाल और बियर लाइसेंस धारक परविंदर सिंह की दुकानों के निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर अपूर्ण पाए गए और प्रतिदिन प्राप्त आवक की भी एंट्री नहीं की जा रही थी। पीलीभीत में एसपी किरीट कुमार का डर और खौफ अब पीलीभीत जिले के अपराधियों के दिलों में देखा जा सकता है। इसी डर का नतीजा है कि आज जनपद की पूरनपुर कोतवाली में गैंगस्टर के 4 अपराधी खुद चलकर थाने पहुंच गए और अपने आप को सरेंडर कर दिया। सूत्रों की माने तो इन चारों को मुठभेड़ का डर सता रहा था, जिसके चलते ये खुद चलकर थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे। कई जिलों के युवकों को अपने जाल में फंसाने के बाद अब लुटेरी दुल्हन ने बरेली के युवक को अपना निशाना बनाया है। पीड़ित अपनी फरियाद लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। रामपुर में डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर स्वरा पुलिस ने राहुल उर्फ आयान पुत्र मोहम्मद जोहर और 2 अन्य अज्ञात निवासी नवाब नगर के खिलाफ धोखाधड़ी और रेप समेत अनेक धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रामपुर के शहजाद नगर क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पश्चिम बंगाल जा रहे एम्बुलेंस में बैठे 2 युवक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि एक युवक की दूसरे युवक ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कौशाम्बी जिले के कोकराज थाना क्षेत्र के टिगाई जलालपुर गांव में मामूली बात को लेकर सन की पति ने पत्नी की लोहे की रॉड से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति पत्नी के साथ ही सोता रहा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कोखराज थाना पुलिस ने मकान की खिड़की तोड़कर दरवाजा खोला और आरोपी पति को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी में अवैध बालू खनन की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बालू से लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। सरयू नदी की तलहटी में ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन हो रहा था। बदोसराय कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरदोई में 2 पक्षों में खूब लाठी डंडे चले हैं, जमकर पथराव हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। बवाल मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हुए हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ मारपिटाई भी हुई है, साथ ही साथ उनके गहने भी छीन लिए गए हैं। पुलिस की लापरवाही से दोबारा झगड़ा हुआ है, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला थाना बेटा गोकुल के उमरौली गाँव का है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मथुरा के छाता इलाके में तरौली से शेरगढ़ को जाने वाले रास्ते पर संस्कृति शिक्षा निकेतन स्कूल के पास खेतों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नंदी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा नंदी को गोली मारने की सूचना चौकी केड़ी पुलिस को दी गई, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची, यहाँ मामले की जाँच शुरू की। हरदोई की कोतवाली देहात पुलिस ने स्वाट एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद के बाद अंतर जनपदीय 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शातिर कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई लूट में वांटेड चल रहा था। इसके खिलाफ हरदोई और कन्नौज में करीब 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भेज रही है, तो वहीं सूबे की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में जुटे हैं। लेकिन वहीं अगर बात गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग सहित समस्त ग्रामीण अंचलों की जाए तो किसान बेहाल हैं। यहां गेहूं की अच्छी पैदावार के बाद किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। मौजूदा हालत की तस्वीरें किसानों की परेशानियां लगातार बयां करती हैं। यहाँ 20 दिन बीतने के बाद भी गाँव अड़िंग क्रय केंद्र पर किसानों के गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है। रायबरेली में रेप पीड़िता की रेप के आरोपी ने जेल से छूटने के 7 महीने बाद निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस घटना की जानकारी पाकर घटना स्थल पर पहुंची और उसके बाद फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने महज कुछ घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।